मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्य प्रदेश में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अब चंबल प्रोग्रेस वे रखा जाएगा। यह परियोजना चंबल क्षेत्र की दिशा और दशा बदलने का काम करेगी। परियोजना में सड़क के दोनों ओर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, साथ ही टाउनशिप भी बनाई जाएगी। देश में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट बैठक हुई। गृह एवं जेल विभाग के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना 15 अगस्त तक तैयार कर लें। प्रदेश में ग्रामीण पथ विक्रेता को व्यवसाय के लिए बैंकों से 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिलाया जाएगा। इसके लिए योजना की शुरुआत अगस्त से पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की जाएगी। इसके तहत अभी तक 8 लाख से ज्यादा पथ विक्रेताओं के पंजीयन हो चुके हैं। आज प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अभी तक मैं बल्लभ भवन शब्द का उपयोग करता था या जहां होती थी वहां का उल्लेख करता था। आज प्रदेश का उल्लेख इसलिए किया कि देश के इतिहास में ये पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक थी। आज कैबिनेट के सभी सम्मानित सदस्यों ने अलग अलग रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना को आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। निर्णय हुआ है तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। यहाँ मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाके ये भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से आमजन को कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक जो चल रही थी उसके बाद इसे और नीचे उतारा है। वो नगर पालिका नगर निगम तक थी, उन्होंने ये नगर पंचायत और ग्राम पंचायत तक इसको लेके गए हैं। इसमें हमारे गाँव के अंदर काम करने वाले छोटे छोटे बड़ई हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, हाट ठेला वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, नाई हैं, इन सब के लिए 10,000 रुपये तक ऋण की व्यवस्था और इस ऋण के ब्याज की व्यवस्था, और अगर कुछ समय पर ऋण चुकाएगा तो अगले साल दोगुनी 20,000 की व्यवस्था, इस तरह की योजना है। आज मुख्यमंत्री जी ने चर्चा में ये भी कहा कि नगर पंचायत, ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत के स्तर पर सभी जगह पर वहाँ के प्रभारी मंत्री और स्थानीय मंत्री जो थे ये सब लोग एक कार्यक्रम करके ये बांटेंगे। अभी तक इस योजना के अंदर हमारे पास में 8,56,697 आवेदन आ चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मीटिंग में अपने स्वस्थ होने की जानकारी दी। उन्होंने कैबिनेट में बताया कि कल से बुखार की शिकायत नहीं हुई है और खांसी भी नियंत्रित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने अनुभव बताते हुए बताया कि वे स्वयं अपने कपड़े धो रहे हैं। उन्होंने विगत समय में हुए हाथ में ऑपरेशन पर कहा कि कपड़े धोने से हाथ में आराम मिल रहा है और अब मुट्ठी ठीक तरह से बंद होने लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें अपने छोटे मोटे काम स्वयं करते रहना चाहिए। कोरोना से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, समय पर सचेत होकर बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हल्के मुझे बुखार नहीं आया है, खांसी भी पूरी तरह से नियंत्रित है, खांसी भी अब बिल्कुल समाप्ति की तरफ है और बेहतरी में लगातार काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक अनुभव आपको बताता हूँ मैं, वो भी अपने अस्पताल में अपनी चाय बना रहा हूँ, अपने कपड़े भी धो रहा हूँ क्योंकि कोविड वाले कपड़े अपन किसी को धोने नहीं दे सकते। और कपड़े धोने का भी एक और फायदा हुआ है, मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद फिजियोथेरेपी बहुत कराई लेकिन मुट्ठी पूरी तरह से बंद नहीं होती थी। अब कपड़ा खींच खींच के वो बिना फिजियोथेरेपी के ठीक हो गया। इससे हमें एक बात जरूर लगती है मुझे कि छोटे मोटे काम अपने हाथों से हमको करते रहना चाहिए। और एक बात मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ कि कोरोना से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज बदल गया क्योंकि आप मेरे साथ हैं, हम लोगों की रोज बात होती है, उनका
बीमारी, लेकिन समय पे हम लोग आ गए तो बीमारी पर नियंत्रण आज और ये मुख्यमंत्री हो, आमजन हो, संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।